तो अभी हम लोग निकल जा रहे हैं गोंडोला राइड के लिए। अरे भाइयों से बात हुआ है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, आपका नाम बता दीजिए। यूनिस सर। तो ही इज द कैप्टन ऑफ दिस टोटली मतलब किचन में, ठीक है, होटल होटल का जो फूड डिवीजन है उसमें। तो अभी जाएंगे गोंडोला की तरफ, फिर गोंडोला से वापस आके हम लोग अपना लगेज लेंगे। भाईजान के साथ भी मुलाकात हुआ है, उनका नाम बता दीजिए। मोहम्मद रफीक सर। आपका? आबिद। तो आएंगे तो ज़रूर इनसे मिलना, और गोंडोला से आके फिर हम लोग फिर से अपना लगेज लेंगे। और लगेज यहाँ पे हमारा जैसे 12 बजे चेकआउट है, तो लगेज यहाँ पे लगेज रूम में रह जाएगा, फिर वापस आके हम लोग लगेज लेके फिर जाएंगे तनमा गो के पहलगाँव। तो दोस्तों, कश्मीर के सीरीज के ये 8वें ब्लॉग में मैं आप लोगों को आज दिखाने जा रहा हूँ गुलमार्ग का मेन अट्रैक्शन गुलमार्ग गोंडोला, जिसका दो फेज है। फर्स्ट फेज का नाम है कोंगडोरी, जो सी लेवल से 10,400 फीट ऊपर है, और सेकंड फेज का नाम है अपर्वत, जो सी लेवल से 14,700 फीट ऊपर है। और ये दोनों ही पॉइंट स्विट्जरलैंड के माउंट तितलिस एंड यंग फ्राउ टॉप ऑफ द यूरोप से भी ऊपर है फ्रॉम द सी लेवल। हमारा आज का ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोगों के सामने फर्स्ट फेज पूरा कवर किया हूँ, पूरा गोंडोला राइड एंड फर्स्ट फेज को। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिएगा, क्योंकि पूरे डिटेल में आज आपको गुलमर्ग गोंडोला का फेज वन मिलेगा। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग निकल पड़े हैं हमारे डेस्टिनेशन गोंडोला के तरफ, होटल खलील पैलेस से निकल के। तो देखिए चारों तरफ बर्फ और भी ज़्यादा जमा हुआ है, और होटल खलील पैलेस से आज ही हमारा चेकआउट डेट है। तो चेकआउट हम लोग कर लिए और लेडी, लेकिन लगेज सामान हमारे रूम पे ही है। तो रिसेप्शन से बोल दिया कि उनके लगेज रूम भी है, वहाँ पे ही मेरा जो लगेज है वो उठा के रख देगा, और फिर हम लोग यहाँ पे वापस आके लगेज लेके निकल जाएंगे। देखिए कितना सुंदर नज़ारा, बढ़िया सा नज़ारा है गुलमर्ग गोंडोला का। एंड लोग ये पूरा एंजॉय कर सकते हो, हर एक जगह पे आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। तो गोंडोला की तरफ हम लोग जाएंगे, और थोड़ा सा देख रहा हूँ गोंडोला का रास्ता किस तरफ है। तो लोग भी आ रहे हैं, एक बार पूछ लेते हैं। भाई गोंडोला जाने का रास्ता इस तरफ है? इस तरफ से गोंडोला का रास्ता है, चारों तरफ बर्फ है। थोड़ा सा धीरे धीरे पाँव का स्टेप चलना पड़ रहा है, क्योंकि बर्फ में स्कीट हो सकता है ना, ठंडा तो बहुत जबरदस्त है। खलील पैलेस में रहने का सबसे बड़ा मजा जो है, खलील पैलेस के सामने ही गोंडोला है, तो आपको ज्यादा दूर तक जाने का जरूरत नहीं है। देखो ये ATV कार, दीज आर ऑल ATVs। तो ये ATV में आप लोग पूरा गुलमर्ग घूम सकते हो। इसका जो रेंज कम से कम 2000 पर पर्सन लेगा, और वो आपको पूरा 13 किलोमीटर का जो गुलमर्ग है, जितना पॉइंट है, गोल्फ कोर्स, मंदिर वाले रोड है, सब कुछ दिखा देगा। मार्केटिंग भी कर सकते हो, आपके नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर है। स्लेज भी घुमाता है पूरे गुलमर्ग, वो 1300 रुपये पर पर्सन लेता है, उसमें मार्केटिंग कर सकते हो। लेकिन इतने बर्फ में हमें गोंडोला का ही मज़ा लेना है, क्योंकि बर्फ का मज़ा हमें तो मिल ही रहा है, क्योंकि बर्फ जहाँ पर भी जाओगे हमेशा हर जगह पर बर्फ ही रहेगा, तो बर्फ मिलना ही मेन है। बाकी तो गोंडोला राइड एक अलग सा एक्सपीरियंस है। तो देखते रहो हमारे साथ बॉन्ग ग्लोब ट्रॉटर्स ब्लॉग। Thank you.
एक बात मैं बता देता हूँ आप सबको कि गंडोला राइड करो जो भी करो, ये बर्फ वाले जगह पर चलना है। तो जो जगह आप देख रहे हो ना ज़्यादा घिसा हुआ है बर्फ में, ये जगह से चलना ही मत, क्योंकि ये जगह स्किड करता है। और जो जगह में ज़्यादा बर्फ़ है जैसे यहाँ पे, उसके ऊपर से ही पाँव रखना, तभी आपका पाँव बैलेंस में रहेगा। ये प्लेन वाले घिसा हुआ जगह से चलोगे तो स्किड होगा ही होगा। और ये शूज़ ज़रूर लेना, क्योंकि इसके थ्रू स्किड होने का चांसेस बहुत कम रहता है, जो दूसरे जूता में ज़्यादा रहता है। हम लोग बहुत सावधानी से चल रहे हैं और बहुत धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आगे थोड़ा रास्ता थोड़ा सा स्लिपरी है, लेकिन विल एडजस्ट। अब देख रहे हो कि मतलब ये बर्फ़ वाले रास्ता है और ये तरफ घिसा हुआ, यहाँ से गाड़ी जा रहा है सर। तो प्रियंका भी यहाँ से चल रही है बर्फ़ वाले जगह से। और ये सुंदर नज़ारे चारों तरफ गुलमर्ग का, और ये मैं, ठीक है। तो आगे की तरफ जाके दिखाते हैं, धीरे धीरे पावर रखना, धीरे धीरे। तो गोंडोला की तरफ हम लोग आगे बढ़ते, गोंडोला से अब आपको गाइड भी मिलेगा, जैसे ये भाईजान मिल गया ऑलरेडी गाइड के लिए। तो गाइड लेने से आपको क्या होता है कि साथ में एक सपोर्ट रहता है, वो आपको समझाएगा कहाँ पे क्या है। और दूसरा सपोर्ट है कि टिकट में अगर लाइन होता है तो वो आपका टिकट भी ला के देगा जल्दी। और गवर्नमेंट रेट है इसमें, गवर्नमेंट रेट में दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट रेट गाइड के लिए 800 रुपये होता है, और टिकट में फर्स्ट फेज के लिए होता है 740 रुपये, और सेकेंड फेज का होता है 950 रुपये। तो ये टोटल रेट है, गवर्नमेंट रेट है, इसमें कोई बर्गेनिंग नहीं है। और गोंडोला के तरफ बढ़ते हुए हम लोग, ये आगे टिकट काउंटर दिख रहा है, ऑलरेडी लोग लाइन पे खड़े हैं। और हम ऑलरेडी भाईजान को मतलब एज अ गाइड उनके साथ कॉन्टेक्ट कर लिया है, ये हमारे साथ ही जाएगा। चलिए आगे हमारे साथ गोंडोला राइड की तरफ, और ये आपके लिए गुलमर्ग के बढ़िया नज़ारे। तो ये गोंडोला राइड का काउंटर है, टिकट काउंटर, यहाँ से आप लोग टिकट ले सकते हो, और यहाँ से टिकट लेके आप लोग ऊपर जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से टिकट लेके आप लोग आगे जा सकते हो, और एक बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो ऑलरेडी गंडोला का टिकट बन चुका है हमारा फर्स्ट फेज के लिए 750 करके 1500 रुपये। और ये महाराजा पैलेस का बोर्ड भी लगा हुआ है, और ये दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ गंडोला। और आप देख पा रहे हो यहाँ के नज़ारे। तो एंट्री पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हुए गोंडोला राइड के लिए, थोड़ा सा संभल के चलना है, ये घिसा हुआ रास्ता है बर्फ़ में। और आगे चल के बढ़िया नज़ारे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे फोटोग्राफी करने का बढ़िया जगह बोल रहा है, तो फोटोग्राफी कर लो। हाँ जी, यहाँ पे ऑलरेडी बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हो आप लोग, वे टू गंडोला। एंड ये गंडोला का साइन दिया हुआ है, एंड दिस इज प्रियंका, ऑलरेडी बढ़ते हुए आगे। और ये मैं गंडोला की तरफ आगे बढ़ते हुए। तो ये बढ़िया नज़ारा, गोंडोला के एंट्री पॉइंट तक हम लोग बढ़ते हुए आगे। एंट्री पॉइंट के सामने दिस इज द एंट्री, सब लोग देख पा रहे हो, यहाँ से गोंडोला का एंट्री होता है। एंड अभी तक ये खुला नहीं है, 10 बजे से ओपन होता है। हम लोग ऑलरेडी खड़े हैं यहाँ पे, वेट कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट फेज वाला टिकट बन गया।
और फर्स्ट फेज में जाकर फिर सेकंड फेज का बनाना होगा। तो अभी कुछ फोटोशूट करके फिर वापस आ रहे हैं हम लोग। और देखिए यहाँ पे सुंदर नज़ारे, दिस इज आर टोटली फोटो शूटिंग पॉइंट्स। ट्रीज आर ऑल्सो कवर्ड बाई स्नो, दिस इज लुक्स ऑसम मैन। हम लोग ऑलरेडी लगे पड़े हैं गोंडोला के लाइन पे, अभी तक टिकट इशू नहीं हुआ। 10 बजे से टिकट इशू होना शुरू होता है, लाइन तो अब देखी पड़े, बहुत ज़्यादा लाइन है। गाइड लेके आना अच्छा होता है, जल्दी हो जाता है। और फिर हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे गाइड के लिए, वो टिकट लेके आएगा फिर जाएंगे अंदर। हमारे गाइड आ चुके हैं तो हम लोग ऑलरेडी एंट्री कर लिए है और अभी गोंडोला फर्स्ट फेज के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये गाइड जी एक बार दिखा दीजिए, हाँ मैं इनका नंबर दे दूंगा, किसी को भी अगर आना है इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा गोंडोला जाने से पहले, ये जरूर आपको मेरा सर कांटेक्ट, इसका कहाँ कांटेक्ट करोगे सर? मेरा नंबर बता दीजिए भैया जी, 9797019120। नाम बता दीजिए शबीर भाई, तो जरूर कॉन्टेक्ट कर लीजिए और आपको जरूर हेल्प मिलेगा गोंडोला जाने से पहले। और ये भाईजान का नंबर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और चलिए तब अभी तो लाइन है, क्राउड है, थोड़ा अंदर जाके बॉर्डर में बैठ के दिखा रहा हूँ। तो ये फर्स्ट फेज का टिकट है हमारे, जो मैं आप लोग बोला था 740 रुपये फर्स्ट फेज के लिए चाहिए होता है, जो पांगडोड़ी तक जाता है गुलमार्ग से। और सेकंड फेज है अल्पथार, तो सेकंड फर्स्ट फेज जाके फिर वहाँ से सेकंड फेज का टिकट लेना पड़ता है, जो 950 के आसपास है। तो फर्स्ट फेज पहले हम लोग जा रहे हैं और ये हमारे गाइड जी आगे, तो ये टिकट बना के लाए दिखा रहे हैं, उनका नंबर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे जाके देखते हैं। तो केबल कार के तरफ हम लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, केबल कार के लाइन में, और आप लोगों को भी दिखाने वाले हम लोग बेहतरीन बेहतरीन नज़ारा, जो देख के आप लोग बहुत होश हो जाएगा नज़ारा देख के। तो भाई जान हमारे साथ हमेशा, आपके भाई के साथ मिल चुका हूँ इस्तिकार जी ना जी, आपका नाम मकबूल, मकबूल जी उनका नंबर है मेरे पास, मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जो भी आता है आपको इनसे कांटेक्ट कर लेना गोंडोला से, तो आपका इजी हो जाएगा राइट। देखिए गोंडोला जा रहा है एक के बाद एक, हम लोगों का भी नंबर आएगा और आप लोगों को दिखाने वाले हम लोग ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल व्यू, देखते रहिए। तो हमारा नंबर आ चुका है, इसी गोंडोला में हम लोग जाने वाले हैं। वन बाई वन आ रहा है, बहुत सुंदर अरेंजमेंट है यहाँ पे, वन बाई वन जा रहा है, वन बाई वन आ रहा है, देखते रहिए हमारे साथ। हम लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं गोंडोला में, लाइट चली गई। एडवेंचर तो बढ़िया सा एडवेंचर है, गंडोला चलते चलते लाइट चली गई, हम लोग बीच में रुके हुए और एक सच में एडवेंचर ही है ये, ठीक है क्या सीन में सीन देखने के लिए रुकाते हैं लाइट नहीं गई तो देखते रहिए गंडोला में। भैया नए ससुर हमारे
Thank you.
ऑलरेडी हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट फेज की तरफ, जो कंगनाडोर नाम से कहलाया जाता है, और दिस इज द रियल व्यू निकल के आगे चलते हुए। ये सेकंड फेज वाला है, जब जाएंगे तब दिखाएंगे। हम लोग पहुंच गए फर्स्ट फेज में पांगडोर की तरफ, और ये आपके सामने पेश है गुलमार्ग का गोंडोला का फेज वन। कांगडोर ही बोला जाता है यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में, कोई कांगडोर भी बोलता है। तो देखते रहिए हमारे साथ वॉन्ग ग्रुप टोटल ब्लॉग्स, और अगर हमारे चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर हमें रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़रूर आगे जाके हमारे ब्लॉग्स को देखते रहिए। दिस इज जस्ट रियली ऑसम व्यू मैन, ऑसम व्यू। तो मैं और प्रियंका कांगडोरी फर्स्ट फेज की तरफ चलते हुए, ये इंडिया स्विट्जरलैंड भी है शायद, इस दिन के लिए पूरे जिंदगी भर वेट किया था। ओहो, दिस इज ग्रेट एंड ब्यूटीफुल लोकेशन इन गुलमार्ग, एंड दिस इज फर्स्ट फेज कंगडोरी। थोड़ा सा संभल के चलना होता है, नहीं तो स्कीड हो जाता है, और संभल के चलना जरूरी होता है भाई यार। बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब ये रियल जन्नत है। अभी आपका फर्स्ट फेज है, ओके, थोड़ा जोर से बोलिए, मेरे व्यूअर्स भी सुनेगा। ये जो है अपना गंडोला फर्स्ट फेज, ओके, वेलकम टू कंगडोरी। यस, 10,500 हाइट पे आप इस टाइम खड़े हो। इसके आगे ये जो प्लेस हैं खेलन मरेगा, सेवन स्प्रिंग है, ये पॉइंट्स हम घूम कर वापस आएंगे, फिर हम ये वाला सेकंड फेज में जाएंगे सर। हाँ। सेकंड फेज जो है वो 14,000 फीट फ्रॉम सी लेवल्स, वर्ल्ड का हाईएस्ट केबल कार है। दिस इज 10,000 फीट कंगडोरी, कंगडोरी एंड द सेकंड फेज वो जो लाल वाले जा रहा है 14,000, वो 14,000 फीट ऊपर है। यस सर, वहां पे थोड़ा सा आगे खड़े हैं, जाता है रजिस्टर नंबर, फोटोग्राफी करना है ना तुम्हें, इधर से आ जाओ सिस्टर, एक आपके नंबर पे बांट दे आगे। अभी आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक्टिविटीज ऐसी हैं, हमें एक्टिविटीज नहीं करना है, मतलब मैं बता, हमें फोटो खींचना है, फिर सेकंड फेज में चला जाना। कोई बात नहीं है, जैसे आपको बता रहा, हमारे पास एकदम टाइम नहीं है, पहले कौन निकलना है। यहाँ दो तीन किस्म की एक्टिविटीज है। हाँ। एक स्नो बाइक्स है, स्लेज गाड़ी है, okay. की गाड़ी, वो जंगली पिक्चर का शूट जिसमें हुआ है, जंगली पिक्चर। हाँ। जी जी जी। दूसरा है स्कीइंग सर, स्कीइंग करते हैं, स्लेज हो गया, स्नो बाइक हो गया, स्कीइंग हो गया, स्कीइंग हो गया। इन तीनों में जो आपकी इच्छा होगी आप कर सकते हो, कोई इसमें टेंशन नहीं है। नलो देवा यहाँ से थोड़ा सा आराम से उतरना, तो हम फोटोग्राफी थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे, फिर उधर से आ जाओ, आगे से उधर साइड में, इधर इधर इस तरफ भी अच्छा नज़ारा है, आगे चलते हैं ना, इधर भीड़ अभी जमा हो जाएगी ना, फिर नहीं कर पाओगे, फिर थोड़ा सा इधर से। आप सर जी ऐसा कीजिए, मेरी बात सुने सर, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, आपकी मर्जी, स्लेज गाड़ी दो पकड़ोगे ना, खिलन मरग भी जाएगा, सेवन स्प्रे भी, वीडियो भी आपका पूरा, फोटोग्राफी बनेगा, उसमें टाइम भी बचेगा। किसमें? बर्फ की गाड़ी भी जाएगा। हाँ, सेवन से वहाँ से खिलन मार्ग से पूरा व्यू वैली आपको दिखेगा, जैसे आप दोनों बैठोगे ना गाड़ी में तो आपको टाइम भी जल्दी हो जाएगा, फिर सेकंड फेज भी जाना है, ये पूरा कवर करके नीचे चलेगा। तो फर्स्ट फेज से ऑलरेडी हम लोग स्लेज ले चुके हैं, और स्लेज से कौन सा पॉइंट देखने वाले हैं? और सेवन सुप्रीम, खिलन मार्ग और सेवन सुप्रीम। ठीक है, तो ये एक स्लेज में प्रियंका जा रही है और एक स्लेज में मैं जाऊंगा। ठीक है,
उसके बाद जाके दिखाते हैं। रेट है गवर्नमेंट रेट है 2550 रुपया एक जन का। अच्छा 2550 रुपया एक जन का है, ठीक है। तो इनका जो है इनका रेट है उस रेट से 2550 रुपया एक जन का, एक जन का, ठीक है। तो देखिए ये सेकंड प्लेस वाला जा रहा है और हम लोग थोड़ा सा ये करेंगे, उसके बाद आप इनको घुमा के उधर लेके आ जाना सेवन स्प्रिंग के पास। फिर से बता दीजिए इसमें कहाँ कहाँ जाएंगे। खिलनमर्ग और सेवन स्प्रिंग, खिलनमर्ग और सेवन सुप्रीम, ये दोनों लोकेशन हमें ये फर्स्ट फेज में स्लेज में जाके हम लोग देखेंगे। दिस इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी हम करें, आप राइट और करें, चलो निकल जाइए, मैं खींचता रहता हूँ। प्रियंका ऑलरेडी निकल गई, ठीक है, और फिर मैं जा रहा हूँ, मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे। अबे ओए जानी, खुश करी, खुश होने लो, एंजॉय करो। पाव कहाँ पे रखना है, तो उल्टा हो गया। उल्टा नहीं, ठीक है सर, ठीक है, पाव फिसल जाएगा। वो रस्सी का, रस्सी कहाँ पे, रस्सी कुछ नहीं, आप फिर पकड़ने का रस्सी कहाँ पे है। भाईजान लेके जा रहे हैं हमें स्लेज में, कैसे ले जा रहे हैं, ऐसे आप ही ले जाओगे क्या? लेके जा रहे हैं हमें हेल्पर, अगर हमें पकड़ने के लिए क्या है, कुछ नहीं, आप फ्री रहो, आप अपना एंजॉय करो, फोटो वीडियो बनाना है। स्लेज में ऑलरेडी बैठे हम और स्लेज हमें आगे की तरफ लेके जा रहा है और देखते रहिए नज़ारे। और ये हम ये बैठे हैं, ये हम साफ साफ दिखाई दे रहे हैं आपको। भाईजान कलमा पढ़ रहा है, भाईजान कलमा पढ़ते पढ़ते स्लेज को खींचते खींचते देखते रहिए, बढ़िया नज़ारा। और आगे की तरफ हम जा रहे हैं यहाँ पे, अच्छा जो गिर रहे थे अभी भाई, तो प्रियंका ऑलरेडी है यहाँ पे, और भी जाना है आगे। तो प्रियंका ऑलरेडी यहाँ पे है, दिखाई दे रहा है, कैसे लग रहा है, हाँ कैसे लग रहा है, बहुत बढ़िया है, मज़ा आ रहा है ना। तो हम लोग आगे की तरफ फिर से बढ़ते हुए, यहाँ क्वालिटी निकल गई है, देखते रहिए। ये स्लेज में हम लोग बैठे हैं और भाईजान स्लेज में हम लोगों को आगे की तरफ लेके जा रहा है। और दो दो लोकेशन, कौन से दो पॉइंट देखेंगे भाईजान, फिर से बता दो। खिलनमर्ग और सेवन स्प्रिंग और खिलनमर्ग, ये दो लोकेशन, ये दो पॉइंट आपको, मतलब हमें घुमाएंगे। और ये जो गुलमार्ग के पॉइंट्स हैं ना, ये सब ये मैक्सिमम पॉइंट्स ही है आपके फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में। तो आपको पहले गोंडोला होके फर्स्ट फेज आना है, फर्स्ट फेज में आपको एक्टिविटी के थ्रू भी घूमना है, ये एक्टिविटी कर सकते हैं, और स्लेज में भी आप घूम सकते हैं, क्योंकि पॉइंट आपको यहाँ से ही जाना होगा, जो जो यहाँ आपके मेन पॉइंट है। और फिर सेकेंड फेज से भी कुछ पॉइंट है, तो सेकेंड फेज में जाकर फिर दिखाएंगे। सेकेंड फेज में क्या क्या है, उसमें वो है ना, अरे अलपथर वैली, आप सब यहाँ खड़े हो जाओ भैया। तो प्रियंका ऑलरेडी यहाँ पे है, क्या भैया थोड़ा स्टॉप करो मूवी, बाद में उठो। हाँ जी ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेते हुए, ये भाई फोटो उठाएगा। हेलो हाउ आर यू फ्रेंड, भैया नंबर बता दो, कोई आएगा तो आपको कांटेक्ट कर लेगा आपके स्लेज के लिए। जी हमारा नंबर साहिल गुलमर्ग है, टंगमर्ग का रहने वाला है। अच्छा नंबर बता दीजिए। जी हमारा नंबर है 9906318801।
साहिल गुलमर्ग के नाम पे कॉल करना। अच्छा, और ये भाईजान भी है क्योंकि एक स्लेज में तो हम लोग घूम नहीं पाओगे। हाँ, दो स्लेज। आप कहीं बता दीजिए। नंबर एक ही हमारे दोनों का। दोनों में एक ही नंबर है जी। तो कोई भी आता हो गुलमर्ग भाईजान तो जरूर कॉन्टेक्ट करना, करता है टूरिस्ट लोगों का यहाँ आने के लिए। जरूर जरूर। जैसा हमारा ये बहन आया है, इसको बोलो कैसा सर्विस दिया सिस्टर को। अच्छा लगा ना, कैसा लगा? बढ़िया है। अच्छा, हम वेलकम करते हैं आपको यहाँ आने के लिए और यहाँ पे ये नज़ारा देखने के लिए, जैसे अल्लाह ने कैसा नज़ारा बनाया। सही बात है। और हम भी रिकमेंड करेंगे कि आपको यहाँ पे मतलब और भी कस्टमर मिले, हम लोग खुश हो जाता है। तो भाईजान को जरूर कांटेक्ट कीजिएगा कोई अगर गुलमर्ग आते हो तो। एक नंबर वाला राइड दिलवाएगा और ये आपको दो लोकेशन घुमाएगा। एक हो गया आपका खिलनमर्ग और दूसरा हो गया सेवन स्प्रिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग पहुंचे नहीं ना कहीं। खिलनमर्ग अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे फिर खिलनमर्ग है, फिर उसके बाद सेवन स्प्रिंग आएगा। ओके सर, ठीक है। तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हुए थोड़ा फोटोग्राफी के लिए, एंड देयर इज वेरी मच स्नो। स्नो बहुत ज़्यादा है और देख रहे हो आप लोग बढ़िया सा नज़ारा, बताने का कुछ ज़रूरत नहीं है। गुलमर्ग इज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन। भैया यहाँ पे एक फोटो खींच दीजिए हम दोनों का, यहाँ पे बर्फ पे ऊपर से। आ जाओ नीचे आ जाओ। नहीं भैया, धूप आ रहा है, आ जाओ। धूप आ रहा नहीं, ये वाला दिखाना चाहता हूँ मैं, बर्फ वाला। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। थोड़ा सा एक्टिक है लेकिन जानदार है। तो जरूर गुलमर्ग में आप लोग आओ और देखो ये नजारा। ये जो राइट साइड में दिख रहा है ना आपको सर, इसी को बोलते हैं खेलो इंडिया। यहाँ पर होती है ये जगह जो है ना, यहाँ पर वो गेम्स लगती हैं मालूम, एंटरटेनमेंट। खेलो इंडिया यहाँ पर होती है, इसी को बोलते हैं खिलनमर्ग जी। राइट, तो खेलो इंडिया के नाम से ही ये जगह का नाम खिलनमर्ग हुआ है। गेम्स हाँ जी हर साल लगते हैं वो, मान तो 2 साल से यहाँ पर। हाँ जी, वो अपना वो नुआ गेम से खोला है। हाँ, उसी के नाम से यहाँ पर वो पड़ा है नाम इसका खेला। ओके अभी आप अपना बना लो वीडियो शुरू। तो मतलब हम लोग अभी खिलनमर्ग की तरफ, उस तरफ जाने वाले। अभी हम जाएंगे सेवन स्प्रिंग आगे। सेवन स्प्रिंग किस तरफ है? इधर आगे, राइट साइड। राइट साइड में सेवन स्प्रिंग जाने वाले। अभी हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आप फोटो ले लो, फोटो लेके फिर हम लोग फिर आगे जाएंगे। और ये जैसे देख रहे हो भाईजान दिखा रहा है, हमारे पीछे जो है ये पीछे वाले यही है ना। हाँ, ये पीछे वाले लोकेशन है, ये है खिलनमर्ग बोलता है इसको। तो यहाँ पे खेलो इंडिया यहाँ पे होता है, यहाँ पर होती है जनवरी फरवरी में। तो आपको हर एक चीज का मान लो वो लगता है। ओके, तो थोड़ा खिलनमर्ग तक आगे जा पाएंगे आप? जाओ घूम सकते हो आप बर्फ में, ये बर्फ सख्त बर्फ है। ओके, टाइम आप यहाँ पर लेना चाहते हो ना, यहाँ पर तो इतना टाइम। Didn't mean those things, I'm sorry. प्रियंका डांस कर रही है बर्फ में और हम आगे की तरफ बढ़ते हुए, बर्फ बहुत ज्यादा है और ये मेरा शूज आर ऑलरेडी स्टिक इन द स्नो। तो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए बर्फ में आप जैसे ही जाओगे आगे, आपके पैरों का निशान बनता जाएगा और सच में दिस इज सो अमेजिंग।
promise that nothing would break us, that we'd always find a way. Priyanka dance kar rahi hai. Yeah. Let's get up and leap before we drown. There's nothing left for us to say, 'cause we'll see through. Let's save ourselves the courtesies, 'cause we'll see through. We both know how this thing goes. Should I leave or should you? किलनमार्ग एरिया एक्सप्लोर करने के बाद आगे किलनमार्ग आप देख ही पा रहे हो, तो ये पूरा किलनमार्ग होता है जहाँ पे खेलो इंडिया बना जाता है, जो खेलो इंडिया होता है टीवी में यहाँ पे होता है। और ये एरिया हम लोग एक्सप्लोर कर चुके, ज़्यादा स्नो जिस तरह इस समय भी हम लोग एक्सप्लोर कर चुके, आगे भी है लेकिन ज़्यादा स्नो वाले जगह पर हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर किए। और फिर आगे जा रहे हैं हम लोग हमारे भाईजान के पास जहाँ पे हमारा स्लेज रुका हुआ है, हमें अभी जाना है सेवन स्प्रिंग एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम जाएंगे सेकंड फेज में जो आपका अल्पथार नाम से परिचित है। अभी फिलहाल हमें कंगडोरी में फर्स्ट फेज में, तो देखते रहिए हमारे चैनल बॉन्ग ग्लोब टॉटर ब्लॉग्स, और हमारे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, और कोई भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके लिए ऐसे ब्यूटीफुल और अच्छे ब्लॉग हम लोग बनाते रहते हैं थोड़ा सा रिस्क लेके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बॉन्ग ग्लोब टॉटर ब्लॉग्स, और आपके साथ भी आपके लिए भी, तो देखते रहिए हमारे ब्लॉग। हम लोग अभी नेक्स्ट लोकेशन में जाने वाले हैं। और ये किलनमार्ग एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे बढ़ते हुए हमारे स्लेज के तरफ, ये मैं हूँ और आगे हमारे स्लेज खड़ा है। तो भाइयों ज़रूर अच्छा लगा होगा हमारा ये ब्लॉग, हम लोग जितना एक्सप्लोर कर सकते हम लोग एक्सप्लोर करते, जितना एक्सप्लोर कर पाते हैं उतना एक्सप्लोर करते हैं, और ज़रूर दिखाते आप लोगों को एज़ पर आवर क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट। और अभी हम लोग जाने वाले भाईजान कहाँ पे? अभी हम लोग जाने वाले सेवन स्प्रिंग तक। बैठो ठीक है? तो ठीक है बैठ जाते हैं, पहले कहाँ पे बैठे? पाओ बाहर रहेगा, पाओ कैसे रखेंगे हम बताएंगे नहीं जैसे ये सिस्टम। आप नीचे जाओ फिर वीडियो ले लो। हाँ अब स्लेज में भाईजान के साथ आगे बढ़ते हुए, और पीछे प्रियंका भी आ रही है, हम लोग स्लेज में बैठे हैं और स्लेज में बैठ के हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। तो आराम से देख रही है हमारे चैनल, मज़ा आ गया होगा आपको। पीछे प्रियंका है, तो
दिस इज ग्रेट एक्सपीरियंस। अभी अभी आप खड़े हो जाओ भैया, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, उसका वीडियो जल्दी खड़े हो जाओ सर। प्रियंका आ रही है, प्रियंका आ रही है, देखिए मजेदार मजेदार मजेदार। ऑलरेडी डन, हम लोग आ चुके हैं, किस तरफ जाना है? बैठो बैठो, अब भाई हमें बिठाएगा इस तरफ घूम के ना, थोड़ा सा स्लेज में बैठना। बता देता हूँ मैं, ये यहाँ पे पकड़ने का जगह होता है। एक मिनट एक मिनट, हाँ एक मिनट भाईजान, ये बैग पीछे कर लेता हूँ पहले। हाँ तो देखिए ऑलरेडी हम बैठ चुके हैं स्लेज में, वाला कुछ राइट वाला, और भाईजान स्लेज को खींचते हुए आगे की तरफ। यस मगर तू तो ये मैं हूँ स्लेज में बैठा हुआ, स्लेज में बैठ के आगे की तरफ जा रहा हूँ सेवन स्पिंग की तरफ। एंजॉयमेंट है भाई, बहुत बढ़िया एंजॉयमेंट है। अब देख ही पा रहे हो यार हम स्लेज में हैं, और फिर आगे की तरफ दिखाते हैं। तो ये स्लेज में घूमना एक अपने आप मजेदार है, और सच में गुलमर्ग अगर आ रहे हो ना स्लेज में नहीं बैठे तो कुछ एक्टिविटीज किए नहीं यार, जरूर बैठना चाहिए। अब ये जो देख पा रहे हो आप लोग, इसे बोलते हैं सेवन स्प्रिंग। तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, किसने बनाया था, किसने बनाया था ये जो है ना, ये स्प्रिंग वैली है। हाँ यहाँ पे जब माइनस हो जाता है ना पूरा पानी जम जाता है, मगर ये जम जाता नहीं है, ऐसा ही रहता है। यहाँ पे लोग ऐसा भी डालता है, वो देखो कैसा चश्मा है, ये पूरा सात जगह से पानी आता है। ओके तो ये सेवन स्प्रिंग में सात जगह से पानी आता है, और आई थिंक आगे भी पानी वाला जगह है उस तरफ ना? नहीं है सर, ये वो कोने कोने में, जी हाँ उसमें भी पानी, उसमें पानी अभी क्या बर्फ बना हुआ है, बर्फ होगा पानी होगा। तो ये सेवन स्प्रिंग में देखिए यहाँ पे भी पानी है, तो यहाँ पे पॉन्ड जैसे बना हुआ है छोटे छोटे, ये देखो पूरा जम जाता है, वो देखो वो पानी जम गया, ये देखो। तो सेवन स्प्रिंग का मजा लीजिए, देखिए सेवन स्प्रिंग का पूरा नज़ारा है, और ये एक फर्स्ट फेज में एक फेमस जगह है, यहाँ पे लोग पैसे भी देते हैं ठीक है अपने मन्नत रखने के लिए। हाँ Thank you.
तो भाई साहब अब लोग देख पा रहे हो ये सेवन स्प्रिंग है, ये एक फेमस जगह है यहाँ पे, और गुलमार्ग में ये सेवन स्प्रिंग जरूर देखना और आओगे तो। सेवन स्प्रिंग का थोड़ा सा बता दीजिए ना किसने बनाया था। इसीलिए मैं आया ना। अच्छा, ये जो सेवन स्प्रिंग है सर, ये कुदरत का देन है, ये किसी ने बनाया नहीं है। ये जो डेवलपमेंट है ये यहाँ की जेके टूरिज्म ने किया हुआ है। बाकी ये कुदरत का नज़ारा है, ज़मीन के अंदर से ये पानी निकलता है, ये 12 महीने ये पानी सेम निकलता रहता है सर। इस पानी की ये खासियत है कि जब माइनस टेम्परेचर होता है तो ये प्लस में आ जाता है, पानी गर्म रहता है सर, और प्लस में ये ठंडा रहता है। आप समर टाइम में आ जाओ, 32 डिग्री गर्मी रहेगी, उस टाइम ये पानी बिल्कुल ठंडा रहेगा माइनस की तरह, और आज -20 में आ जाओ तो ये गर्म रहेगा ये पानी। यहाँ से पानी ये बाहर जाके फ्रीज हो जाता है सर, केवल इस कुएँ के अंदर ये पानी फ्रीज नहीं होता है, बाहर जाके फ्रीज हो जाए। ये जो आगे इसके वाटर बॉडी बनाई हुई है, अच्छा, ये वाटर बॉडी समर टाइम में इसमें फिश डाल देते हैं, फिश लेक बना देते हैं, आजकल ये पानी इससे बाहर निकल जाता है सर। ये कुदरत का नज़ारा, ये पहाड़ों के अंदर से ये पानी आके यहाँ से निकलता है सर। तो इसे ही के फिश पॉन्ड बोलते हैं। फिश पॉइंट जो है समर टाइम में इसमें फिश डाल, समर टाइम में ये फिश डाला जाता है, फिश इसमें फ्रीज होकर मर जाती है। ओके ओके, विंटर में मर जाती है फिश। और ये जो है ये कभी जमता नहीं है, ये पानी कभी जमता नहीं, और ये नेचुरल रिसोर्स है, मतलब नेचुरल। तो आप देख लीजिए जो सेवन स्प्रिंग है, तो ये अपने आप एक फेमस जगह है फर्स्ट फेज में, और ज़रूर देखना अगर फर्स्ट फेज में आप लोग आ रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप सबको। और भाईजान तो है ऑलरेडी गाइड है, तो मेरा नाम मोहम्मद मकबूल खान है, मेरा नंबर जो है 9797195373 है। मैं टूरिस्ट गाइड हूँ, गुलमर्ग में जो भी लोकल हम लोग मतलब है वो सब हम घुमाते हैं सर, ट्रैकिंग हो, गंडोला हो, माउंटेनिंग ट्रैकिंग हो, सब कुछ हम करवाते हैं इंटरटेन में। तो भाईजान का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और ये अपना नंबर बता भी दिए तो आप डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हो। आपका वही नंबर है ना जिसने सब मुझे कॉल किया था? जी जी, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा भैया उनका नंबर, और देखिए ये सुंदर नज़ारे, फिर आगे जाके हम लोग अभी सेकंड फेज जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ का यहाँ पे खड़ी है, बताओ कैसा लगा? कैसा लगा? बढ़िया। बढ़िया, जोर से बोलो। आवाज नहीं आ रहा है। ये बर्फ में जाके इसकी हालत ख़राब हो गया। तो भैया यहाँ पे बोला जाता है सेवन स्प्रिंग में, आप अगर पैसा दोगे, मन्नत मांगोगे तो आपका मन्नत पूरा होता है। तो हम दोनों ऑलरेडी अभी यहाँ पे देने वाले हैं, दोनों के हाथों से एक साथ पकड़ लो। तुम दे दिए, ठीक है। तो अभी मैं दूँगा, तो मैं सेवन स्प्रिंग में अभी पैसा देने वाला हूँ। और अरे आदमी हमें पैसा फेंकता है। वो स्कीइंग नहीं किया साहब ने? नहीं, स्कीइंग कर रहा था, इसे डर लगता है, इसे डर लगता है मेरे वाइफ को। अब बैचलर जिंदगी नहीं रहा ना, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी हम लोग सेवन स्प्रिंग देखने के बाद अभी फिर हम लोग जा रहे हैं रोपवे पॉइंट की तरफ, और वहाँ से हमें फिर अपना सेकंड फेज के लिए, सेकंड फेज को क्या बोलते हैं, अल्पथर ना, तो सेकंड फेज के लिए हमें फिर वो अल्पथर, हाँ वो दूसरे रोपवे पकड़ना है। देखिए ऊपर से वो रोपवे आ रहा है लाल कलर का, तो ये सेकेंड फेज की तरफ जा रहा है। तो ये सेकेंड फेज भी एक बढ़िया नज़ारा मिलेगा, वहाँ पर भी हम लोग फोटोग्राफीज करेंगे और वीडियो बनाएंगे। तो देखते रहिए हमारे साथ वॉन्ग ग्लोब ट्रॉटर ब्लॉग्स, और सेकंड फेज में फिर पहुंच के आप लोगों को और भी बढ़िया नज़ारा हम लोग दिखाएंगे, वहाँ पे बढ़िया बढ़िया नज़ारा मिलेगा और भी। तो हमें आप लोग जितना सपोर्ट करोगे, आप लोगों के लिए और भी अच्छा ब्लॉग्स हम लोग बनाते रहेंगे, और कैसे कश्मीर आना है, गुलमर्ग आना है, कैसे एक्सप्लोर करना है, यहाँ पर हर एक कॉन्टैक्ट पर्सन का डिटेल हम दे देंगे और दिखा भी दिए है। आप लोग इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको टेंशन नहीं रहेगा कि कहाँ पे जाएंगे, तो हर एक कांटेक्ट पर्सन का नंबर रहेगा, तो आप लोग इजीली कांटेक्ट करके अपने एक्टिविटीज़ और अपना ट्रिप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो देखते रहिए, और अगर हमारे व्लॉग्स अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, लाइक करना, और कॉमेंट करने के लिए मत भूलना। तो आपके लिए हम लोग बेहतरीन ब्लॉग और भी बनाएंगे। तो फिलहाल
अभी सेकंड फेज के रोपवे तक हम लोग जा रहे हैं और फिर रोपवे में जाके हम लोग वापस आ रहे हैं।